वहाँ पेड़ दिख रहा है लाइट के लगे पटरिया में सटल है ना, हलचल भी कर रहा है, बहुत बड़ा है भैया बाहर छेद भी है छेद उधर से नहीं, जब भी होगा नीचे गिर रहा है, मैं ऊपर भी नहीं जा सकता। हाँ पानी पी लो, फिर आसो कुछ है सीढ़ी टेबुल। हाँ हाँ सीढ़ी भी है, टेबुल भी है, क्या नहीं है सीढ़ी है। ऐसा क्या देखने में लग रहा, पेट वाला देखते होंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। तो अभी जो है साथियों रेस्क्यू के लिए हम लोग केशवपुर आए हुए हैं और यहाँ विकास कुमार ने हमें कॉल किया है, तो बता रहे हैं कि यहाँ देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये यहाँ पर इन लोगों ने कबूतर पाल रखा है और ऐसे में क्या है कि एक सांप जो है इस कबूतर के बाड़े में अंदर आ गया है। तो साइड से हालांकि सांप थोड़ा सा दिख रहा है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, उसका रेस्क्यू करते हैं हम। लीजिए एक आदमी इधर रहिए, टॉर्च मांगेंगे तो दीजिए, इधर से इधर रहिए। तो आइए दोस्तों सांप का रेस्क्यू करते हैं। पहले हमें कुछ पिन को हटाना होगा। नीचे फेंकते जाइए ना, कुछ है नहीं उसमें। अच्छा ठीक, अब निकालते हैं तीसरे वाले को, और सांप शायद इसी के पीछे है। और क्या है दोस्तों वहाँ कबूतर के बच्चे भी है, उसको छुट्टी काटी है। और बिल्कुल वहीं पर सांप भी है साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर जो है कबूतर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इन पर पंख भी नहीं हुए हैं। टॉर्च मत मारिए आप लोग, और ढेर सारे कबूतर भी यहीं पर हैं। और ऐसे में जो है वो धामन सांप है पीछे में, सांप हमें दिख चुका है, तो देख सकते हैं सभी कबूतर डरे हुए हैं। सभी कबूतर डरे हुए, और दोनों बच्चे जहाँ पर है सांप भी वहीं पर है। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। बहुत बड़ा, इसका एक आँख खराब भी है। और आगे नीचे कूद के भागेगा, हो सकता हट जाओ, एकदम कोना में जा चुका हमको कोना में जाने के लिए। लंबा टूल है, लंबा टेबुल है, टेबुल ऊपर निकाल, लंबा टेबुल लाइएगा, लंबा टेबुल लाइएगा। इसको काटे ना तो पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों अब हम सांप के नजदीक पहुंच गए हैं, तो चलिए सांप को रेस्क्यू करते हैं। अब क्या है सांप हमारे पहुंच में है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये रेड स्नेक है, मीडियम साइज का, और अंदर जा रहा है पीछे। पीछे की ओर आ गया है, ओ
सांप यहीं पर है दोस्तों, चलिए इसे पकड़ा जाए। पूंछी पकड़ाया हुआ है, कहाँ गया? तो ये दोस्तों छोटा सा रैक स्नेक है, इस वजह से क्या है ये कबूतर का शिकार नहीं कर पाया, बाहर आइएगा। लेकिन अंडा उंडा खाया भामन, जहरीला नहीं होता? नहीं, जहरीला नहीं होता, लेकिन अभी गुस्सा में है दोस्तों, देख सकते हैं अभी गुस्सा में है ये थोड़ा, और मार रहा, बाइट ले रहा है ना? हाँ हाँ, बाइट लेने की कोशिश कर रहा है, परेशान करके मारता है, अभी शांत हो जाएगा थोड़ा देर में। ये नाला तरफ से आई है, तो ये क्या है दोस्तों, कबूतर का महक का पीछा करते हुए वहाँ चला गया, लेकिन इसको नहीं पता है कि कबूतर का सारा कबूतर जो है इसके साइज से काफी बड़े हैं, इस वजह से ये क्या है कॉर्नर में छिपा हुआ था, तो हो सकता था कि कोई अंडा वगैरह या खा सकता था, तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सांप भी सुरक्षित है, कबूतर भी सुरक्षित है, और इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखा दिए तो क्या।